हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर की मेगा अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बढ़िया एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। समर स्लैम WWE का थर्ड बिगेस्ट पेपर व्यू है इन द ईयर, और हमें इस पेपर व्यू में बहुत बड़े मैचेस, सेगमेंट्स एंड मूवमेंट्स देखने मिलेंगे। दोस्तों, समर स्लैम होने वाला है अगस्त 11, 2019 को, और ये होगा टोरंटो, कनाडा में। कहा यह जा रहा है कि ये समर स्लैम काफी मेगा इवेंट होने वाला है, क्योंकि इसी पेपर व्यू से WWE इंप्रेस करना चाहेंगे फॉक्स को। इस पेपर व्यू में बहुत बड़े लेजेंड्स जैसे जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर एंड मे बी गोल्डबर्ग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर के ये पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं एट समर स्लैम 2019। फर्स्ट, ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली कन्फ्रंटेशन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर का मनी इन द बैंक कैश इन स्टिल ड्यू है, और वो प्रोबेबली कैश इन कर सकते हैं अपना मनी इन द बैंक एट समर स्लैम। होगा ये कि अगर बॉबी लैशली जीतते हैं एट एक्सट्रीम रूल्स अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन, तो फिर हमें दिख सकता है कि बॉबी लैशली होंगे नेक्स्ट चैलेंजर फॉर सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट समर स्लैम। और दोस्तों, ये बड़ी मैच बॉबी लैशली जीत सकते हैं और बन सकते हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बाय डिफीटिंग सेथ रॉलिंस। और जाहिर सी बात है, बॉबी लैशली जरूर चीट करेंगे, क्योंकि वो एक हील है। सेथ रॉलिंस के फेल्ड टाइटल रन की वजह से, प्लस ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली की फ्यूड शुरू करने के लिए ये हो सकता है। और फिर बॉबी लैशली यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर आकर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे ऑन यूनिवर्सल चैंपियन बॉबी लैशली, और फिर ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को FI मारकर जीत जाएंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और फिर ऐसे द एक्चुअल ड्रीम मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली की फ्यूड शुरू हो जाएगी। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि आखिर क्या होता है एट समर स्लैम। नंबर टू, जॉन सीना बिकम्स द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। दोस्तों, जॉन सीना ने अपने पूरे करियर में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अब तक जीती नहीं है, और करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन फिन बैलर की बात करें तो उनका टाइटल रेन एकदम बोरिंग एंड थर्ड क्लास है। ये इतना बुरा है कि उन्हें TV टाइम भी नहीं मिल रहा है स्मैकडाउन पर, एंड इवन लोग भी भूल गए हैं कि आखिर कौन है हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसलिए दोस्तों, अगर जॉन सीना आते हैं तो फिर हमें वो चैलेंज करते दिख सकते हैं फिन बैलर को फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट समर स्लैम। और फिर दोस्तों, ये बड़ी मैच जीत कर जॉन सीना बन जाएंगे द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड इवन ए ग्रैंड स्लैम चैंपियन फाइनली। इस मूव से WWE को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क भी जल्दी आ रहा है। और दोस्तों, फिर जॉन सीना लिमिटेड डेट्स एंड पार्ट टाइम स्केड्यूल करके इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को इंटरेस्टिंग बनाएंगे एंड इवन डिफेंड भी करेंगे। इस तरह से उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को उसकी प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगी। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि आखिर कैसी बुकिंग होती है एट समर स्लैम। अगर ऐसी बुकिंग होती है तो फिर WWE को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट समर स्लैम। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में दो चीजों के बारे में बताइए। फर्स्ट, क्या आप ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली की फ्यूड देखना चाहेंगे फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप? एंड सेकेंड, क्या आप जॉन सीना को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनता देखना चाहेंगे? सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।